वेलकम सर। वेलकम तो बोला इसलिए वेलकम करने के लिए खड़े थे। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम होता है फूलों का, महकना और महकाना तो काम होता है खुशबू का। खुशबू को नहीं मोहताज होती किसी कदरदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती किन्हीं कदरदानों की। मैं आज आप सबकी दोस्त एंड होस्ट विधि मालपानी आप सबका इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आर यू रेडी? दैट्स इट। टुडेज प्रोग्राम इज ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर किशोर एंड मिसेस करुणा बैरागी एंड द एंटायर फैमिली ऑफ आदित्य एकेडमी। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस गेट टुगेदर फंक्शन। टुडे वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस मिस्टर यशराज सर, मिस्टर सागर सर, मिस्टर नसीर खान सर, मिस्टर दीपेश गौतम सर, गुंडावार सर एंड दातारकर सर विद अस एंड द भद्रावती पत्रकार संघ एंड पेरेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इवेंट। थैंक यू। रिक्वेस्ट मिस्टर यशराज गौतम सर, सागर गौतम सर, गुंडावार सर, किशोर सर, स्मदल एंड दातारकर सर टू प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प। प्लीज सर। Can we have a huge round of applause? Can we boost their energy? बहुत थके हुए हैं, सुबह से थक गए शायद, बहुत काम था है ना? एग्जाम चल रही है क्या? अच्छा 26 जनवरी टाइम है वैसे।
has completed its 10 years of success. I am blessed to be a part of Aditi Academy, and we all are lucky that we are connected to Aditi Academy. Can we have a round of applause for Sir? एक प्लान बना लिया और सोचते सोचते जो है ये अब जो है मैं तो ये बोलूँगा कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स गेट टुगेदर हो गया और हम लोग चाहते हैं कि हर एक साल इसी तरह हम लोग गेट टुगेदर मनाए। आदित्य एकेडमी लास्ट 10 ईयर्स, ये हमारा 10th ईयर है और आप लोगों के सपोर्ट से जो है कंटिन्यूसली सक्सेस स्टोरी जो चालू है 100% रिजल्ट है। सभी स्कूल में से जो है हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं 10th के नारायणा केंद्रीय विद्यालय फेरीलैंड सभी तरह से जो है बच्चे सभी स्कूल से बच्चे यहाँ पर हैं एंड हर साल हमारा क्लास जो है आदित्य एकेडमी ये टॉपर्स पैदा करते हैं या टॉपर्स जनरेट करते हैं। दैट क्रेडिट जो हमारा जो नाम है और अपना नाम है अपने पेरेंट्स का नाम है सभी का नाम ऊंचा किया और ये आप लोगों का भरोसा है पेरेंट्स बच्चे लोग सभी का भरोसा है हमारे ऊपर जो कंटिन्यूसली हम लोग जो है टॉपर्स तैयार करते जा रहे हैं। तो ऐसे टॉपर्स आगे भी तैयार होंगे। हमने कभी मेहनत नहीं कम की है तो टीचर्स है हमने कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हार्डवर्क से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये हमारे बच्चे भी जानते हैं कि उनकी भी मेहनत है उनका भी डेडिकेशन है कि वो संडे हो या कोई छुट्टी हो सब छोड़ के जो है और हम लोग चाहते हैं कि बेस्ट रिटर्न फॉर योर मनी। हम लोग का एम हरदम मैंने जब क्लास शुरू किया से 10 साल पहले तभी एम यही था कि बेस्ट रिटर्न दू फॉर पेरेंट्स मनी बिकॉज आई नो द वैल्यू। मुझे उस पैसे की वैल्यू मालूम है जो पेरेंट्स कितने मेहनत से कमाते हैं और बच्चे लकी हैं कि आप जैसे पेरेंट्स मिले उनको अच्छे पेरेंट्स मिले कि ट्यूशन तक भेज सके अच्छे स्कूल में जाते हैं अच्छा एजुकेशन सभी चीज़ें उनकी अच्छी हैं। तो ये सबके साथ में जो है हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर से सक्सेस स्टोरी चालू की है और आज भी वो सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ते जा रही है और आने वाले समय में ये सक्सेस स्टोरी बढ़ते ही रहेगी आपका इस तरह से कॉपरेशन रहा तो। साथ में हमने इस साल जो प्रोग्राम अरेंज किए वो किए कि यशराज गौतम जी जो है हमारे साथ है एज ए मोटिवेटर एज ए कंपोजर एज ए सिंगर उनकी जो है यंग एनर्जेटिक एक पर्सन है मैं बोलूँगा स्टूडेंट है एक बच्चा है और इन्होंने इतनी जल्दी अपनी सक्सेस जो सीढ़ी चढ़नी शुरू की ही जस्ट 21-22 एंड राइट फ्रॉम 19 साल के थे तब से उन्होंने गाना लिखना शुरू किया। उन्होंने अब तक के 150 गाने लिख चुके हैं और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 8 से 10 गाने YouTube पे हैं सही है ओके क्योंकि इसका नॉलेज मुझे नहीं है YouTube एंड अदर थिंग्स ठीक है ना। तो इस तरह के यंग एनर्जेटिक लोग हमारे साथ में हैं और हमने उनका एक प्रोग्राम रखा है मोटिवेशन के कारण से आज बहुत ज़रूरत है। मोटिवेशन के बगैर में जो है हम लोग सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इट इज़ जस्ट लाइक कि हम लोग बस में बैठे हैं और हमको यही नहीं मालूम कि हमें जाना कहाँ है
तो मोटिवेटर जो है हमें बस का जो है कहाँ आपको जाना चाहिए और किस तरह से आपको प्लान आउट करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए, किस तरह की सोच होनी चाहिए, ये सब एक मोटिवेटर बहुत अच्छी तरीके से करवाता है। और इसीलिए हमने ये प्लान प्रोग्राम के लिए हम तैयार हो गए और मैं चाहूँगा कि आज जो है उनके आज यशराज जी के जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम उन्होंने सेट किया है, इसमें हमारे सभी बच्चे जो है वो मोटिवेट करने का हमारा उद्देश्य है, लाइफ में बढ़िया चले, एज ए गुड सिटीजन बने, बेस्ट स्टूडेंट नहीं हुआ तो भी चलेगा, गुड सिटीजन होना बहुत जरूरी है। अगर गुड है तो सभी चीज़ गुड होगा, लाइफ डिसिप्लिन होगा और हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो और भी चीज़ें हमारे नासिर भाई आएंगे, मैं बहुत सारे चीज़ जानता नहीं हूँ लेकिन इतना तो मालूम है मैं यश जी से जो है दो बार मिल चुका हूँ और उनके फादर से मेरे ख्याल से हम लोग कुछ 10-15 दिन पहले ही हमारी पहचान हुई और अब तक के हम 4-5 बार आराम से मिल चुके हैं। ए गुड पर्सन, ए गुड पेरेंट, मैं कल भी मैं उनसे बात कर ही रहा था, आज दोपहर को भी मेरी बात हुई कि आज जो भी है मैंने एक चीज देखा है कि दीपेश सर जो है गौतम जी, दीपेश गौतम जी उनके पेरेंट्स, यशराज के पेरेंट्स, उनका डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क, उनका सपोर्ट, बच्चों को समझना कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, मैंने उनको बहुत करीब से देखा एंड आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है यही जो बूस्टिंग जो इफेक्ट है वो यश और उनके बड़े भैया सागर पर पड़ा। ये दोनों भी भाई जो है इतने एनर्जेटिक और इतने कम समय में इतना जो प्रोग्रेस कर चुके हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर एंड मिसेस दीपेश गौतम जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो पेरेंट्स के लिए भी है करके मैंने पेरेंट्स को बुलाया था कि मैक्सिमम पेरेंट्स आए और इस प्रोग्राम का फ़ायदा ले कि हमने सिर्फ अच्छे स्कूल में भेजने से ही हमारा ड्यूटी ख़त्म नहीं होता है, हमें अपने बच्चों को जो है सही रास्ते भी चलाना है, वो भी हमारा ड्यूटी है। सेंडिंग ए स्कूल, बच्चों को स्कूल अच्छे स्कूल में भेजना, जरूरतें पूरी करना, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, इससे हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं बोल सकते। एज ए पेरेंट हमें उनको जो है सही माहौल देना है तो हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छे जा सकते हैं। हमको गार्डनर बनना है, माली बनना है, जब तक ये पेड़ पौधा जो है बड़ा ना हो तब तक के हमें उनका देखभाल करना ये जरूरी है। और अगर हमारी देखभाल में गलती हुई, चूक हुई या कमी रही तो हम हमारे बच्चों को जो है सही राह नहीं दिखा सकते। और एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट सभी की ड्यूटी बनती है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, अगर हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहेंगे तो अच्छा माहौल चाहिए और अच्छा माहौल की शुरुआत जो है घर से होती है, उसके बाद में स्कूल है, सबसे पहला घर। तो ये सब उद्देश्य लेके हमने जो है ये प्रोग्राम आज का ऑर्गेनाइज किया है। कुछ समय था तो मुझे आप लोगों से बात करने का चांस मिला, मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं आके कुछ बोलूं, लेकिन एक समय मिल गया उसके चलते, और हम लोग जो है बाकी के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आखिरी में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अदिति एकेडमी के 10 साल पूरे होने के पीछे सक्सेसफुल 10 साल के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आपसे नहीं, मैं मुझसे ही वादा करता हूँ, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं अपना सबसे बेस्ट जितना अच्छा हो सके वो देने की कोशिश करूँगा और जितना सपोर्ट दे सकूँ बच्चों को मैं उतना सपोर्ट करते रहूँगा। उनकी ज़रूरतें, जो भी एमिनिटीज़ है, जो भी सपोर्टिव चाहिए फ्रॉम द ट्यूशन साइड, हम लोग ये इसके लिए हरदम आगे रहेंगे, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, ये कॉन्फिडेंस
मैं आप लोगों सबको दिलाना चाहता हूँ, आप सभी जो है जो पेरेंट्स है, जिस विश्वास से आपने हमारे क्लास में अपने बच्चों को भेजा है, हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे और बेस्ट स्टूडेंट हम लोग तैयार करके देंगे। हमारे बच्चे जो है उनको मालूम है सर चालू हो गए तो रुकेंगे नहीं, है ना, सही है ना। हाँ, तो बैड हैबिट गुड हैबिट जो भी है, तो मैं अपनी बात यहीं पर रखता हूँ। और मैं एक बार जो है हमारे एक कलीग मिस्टर प्रशांत तेलंग सर, डायरेक्टर